नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड वो। दोस्तों, हेल्थ एंड वो का मकसद आपकी सेहत से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराएं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इस पर कब तक काबू पाया जा सकता है इसका किसी को भी अंदाजा नहीं। यहाँ तक कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता कि इस महामारी का अंत कब होगा। WHO ने कहा है कि COVID-19 फिलहाल एक स्थानिक बीमारी यानी कि एंडेमिक बनने से बहुत दूर है, जिसका मतलब ये है कि कोरोना केवल किसी पर्टिकुलर स्थान या किसी देश में ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व में फिलहाल ये फैलता रहेगा। इसी के साथ WHO ने ये भी संभावना जताई है कि COVID-19 पूरे विश्व में जल्द ही एक और बड़े पैंडेमिक, एक और बड़ी महामारी को जन्म दे सकता है। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रेयान के अनुसार ये सोचना भी गलत होगा कि COVID-19 थम जाएगा और एक एंडेमिक बन जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह या स्थान पर सीमित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस समस्या से निजात मिल जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सोशल मीडिया चैनल्स के एक लाइव सेशन के दौरान रेयान ने बताया कि उन्हें इस बात पर निश्चित रूप से कोई भी भरोसा नहीं है कि हम इस वायरस के साथ साथ एक एंडेमिक सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं है कि कोरोना किसी पर्टिकुलर स्थान या किसी पर्टिकुलर मौसम में ही फैले। WHO के अनुसार कोरोना अभी किसी मौसमी पैटर्न या ट्रांसमिशन पैटर्न में नहीं बदला है। रेयान का कहना है कि कोरोना अभी भी इतना अस्थिर है कि वो किसी भी बड़े पैंडेमिक को पैदा करने में अभी भी काफी सक्षम है। रेयान ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हमें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए कि कोरोना एक एंडेमिक बन गया है और इसका असर कम हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि कोई भी बीमारी स्थानिक यानी कि एंडेमिक कैसे होती है। कोई भी बीमारी स्थानिक तब होती है जब वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में अपनी स्थिति बरकरार रखती है, और लेकिन ये एक पैंडेमिक की तुलना में काफी सीमित होती है। किसी भी बीमारी का प्रकोप स्थानिक तब होता है जब वो बीमारी लगातार मौजूद तो होती है लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्थान तक सीमित रहती है। उदाहरण के तौर पर टीबी, मलेरिया, चिकन पॉक्स, डेंगू, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हर साल लाखों लोगों को अपना शिकार बनाती हैं, लेकिन स्टिल ये बीमारियां पैंडेमिक नहीं है, एंडेमिक है, स्थानिक है। इसी के साथ ये भी माना जा रहा था कि एक समय में कोरोना भी एंडेमिक बनकर रह जाएगा और उसका असर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल WHO ने इस बात पर मुहर नहीं लगाई है और WHO का कहना है कि फिलहाल कोरोना एक एंडेमिक नहीं बल्कि पैंडेमिक ही बनकर रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थी COVID-19 से जुड़ी कुछ जानकारी। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी और जानकारियों के लिए देखते रहिए हेल्थ एंड मोर, जिसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा एंड डू कमेंट अगर आपका कोई सुझाव है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। गुड बाय।